अखिल भारतीय विजयवर्गीय समाज हाड़ौती प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित राजस्थान के प्रांतीय अधिवेशन में पधारे समाज के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल विजय जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी विजय जी, पूर्व महापौर महेश विजय जी, हाड़ौती प्रदेश के आयोजक मंडल श्री रमेश जी विजय महाभारती विजय जी विजय, श्रीमती संगीता विजय जी और समाज के सभी पदाधिकारीगण हमारे बीच में कोटा दक्षिण विधायक के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी और हाड़ौती से ही राजस्थान से पधारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति नौजवान साथी, मैं सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। स्वामी रामचंद्र जी की महाराज की कृपा से उनकी दी शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कार और संस्कृति को लेकर ये समाज उनके बताए हुए आदर्श, उनके बताए विचारों पर चल रहा है और समय समय पर समाज के अंदर सामूहिकता के साथ सब मिलकर कुछ निर्णय करते हैं, कुछ फैसले करते हैं और निर्णय फैसलों के आधार पर समाज के अंदर जो एक जागरूक समाज है, जो अपने समाज में नहीं अपने कार्यों से, अपनी सेवा से, अपनी निष्ठा से और अपने सामूहिकता के कारण अन्य समाज को भी प्रेरणा देने का काम करता है, निश्चित रूप से आपने ऐसे ही विचार, ऐसे ही संकल्प आज के अधिवेशन में दिए हैं। एक और शुभ काम आपने किया है कि समाज के वरिष्ठ जन जिन्होंने इस समाज को एक प्रतिष्ठा दिलाई, अपने सामाजिक कार्यों से, अपनी सेवा से, और यही कारण है कि विजयवर्गीय समाज का एक विशिष्ट स्थान समाज में है। संख्या के आधार पर कम हो सकते हैं लेकिन कार्य गुणवत्ता के आधार पर, सेवा के कारण और समर्पण के कारण विजयवर्गीय समाज का व्यक्ति जहां भी अपना कार्यक्रम करता है वहां पर उनके इस संस्कार और संस्कृति के कारण संपूर्ण समाज में एक विशिष्ट स्थान है। और इसीलिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करना, सामूहिकता के साथ काम करना, सब मिलकर काम करना और जो हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, इससे मैं जब भी इस समाज में आता हूं मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा इस बात के लिए मिलती है कि किस तरीके से हर कार्यक्रम में सामूहिकता के साथ कार्यक्रम की रचना बनाना, सामूहिकता के साथ काम करना और स्वामी रामचंद्र जी के आदर्श विचारों, उनके दिए गए संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये इस समाज की विशेषता है। और इसीलिए आज हम सब यहां पर कुछ संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जनों का हमने सम्मान किया है,
उनके कार्यों की प्रेरणा में मिलेगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये समाज इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। समाज में तो परिवर्तन ला ही रहे हैं लेकिन अन्य समाजों के अंदर भी ये समाज प्रेरणा के रूप में होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।